सभी किसान बहनों और भाइयों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अवधेश है और मैं पानी संस्थान के सवेरा एवं सुजलम सुफलम परियोजना जिला बलरामपुर के सदर ब्लॉक में परियोजना समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग अरहर में फली छेदक कीट से नीम की निमोली से दवा बनाकर किस प्रकार बचाव और रोकथाम करेंगे इस बारे में सीखेंगे। ये अरहर के लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर दवा है। इसका प्रयोग अरहर में फूल आने के समय से लेकर फली बनने तक 15-15 दिन के अंतराल पर नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। आइए चलते हैं। हमारी कुछ सीआरपी बहनें हैं जो घर पर ही नीम की निमोली को कूटकर दवा बनाती हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते बैठा। दीदी सुने हैं कि कोनो कीटनाशक के लिए जैविक दवा बना जाती है। हाँ बहनी, ठीक समय पे आई है। हम जो है जैविक कीट नाशक दवा बनावे जात रहे, नीम के बीज के कुटाई करी थी। दीदी कैसी बनाओ थी और हम तो नहीं जानकारी दे दियो। अच्छा ठीक है बहनी, हम तुम्हें ये दिखावा थी कि कौन कौन सामान मिल लगा था। सबसे पहले बहनी, 1 एकड़ खेत के लिए नीम का सूखा बिया लागत है 7.5 और एक ठो एक खुननी लगत है जिसका बिया वहाँ में रख के इसे खूनक पड़ा था। अच्छा जी। हाँ, एक ठो ये सूती कपड़ा लागत है बहनी। अच्छा। ये देखा बहनी, 1 बाल्टी है और 25 लीटर पानी है मिला। ये बहनी 20 ग्राम साबुन या सरफ मिला लो। अच्छा दीदी, समन्वय तो कुल हो गया, लेकिन जैविक कीटनाशक दवाइयाँ कैसे बनाते तो नहीं बता देते। सबसे पहले बहनी, हम एक नीम के बीज का जोन है धूप में बढ़िया से सुखा ली थन। फिर बाद में अब इसे डाल के कर कुटाई करी। देखो बहनी, अब एक जोन है खूब महीन के कूटा जाता है, हाँ, ताकि खूब महीन के हो जाए। अभी अभी देखा खूब महीन के हो गए हैं। अच्छा ठीक है, अब एक हम गिरावे जाए। अब देखो बहनी, ये खूब महीन के कूट के हो गए। अब एक हम एक सूती कपड़ा में है, देखा जा सूती कपड़ा है, देखो फैलाई के भर। अब एक ऐसे बांध लिया, बन गया पोटली। बहनी देखो, 7.5 किलो बीज के लिए 25 लीटर पानी लगत है, तो अगर एक चौथाई है तो 2 किलो लगभग बीज और 6 लीटर लगभग पानी एक 12 से 14 घंटा तक इन्हें भिगाए दिया जाए। अभी बहनी भिगाए दिया गया है, अब चलिए 12 घंटा बाद आवे। देखो बहनी, अभी 12 घंटा का हो गया। ये पानी देखो हल्का दुधिया रंग का होगा। अब एक जन है 5 से 10 मिनट तक यही में मला जी से गारा जी। अभी का देखो इसे गारा जी, जिससे नीम का सत पूरा घोल में एकदम मिल जाए। दीदी दुधिया रंग का तो हो गया। अभी देखो बहनी, घोल तैयार हो गया है। अभी का छाने खड़ती एक ठो बाल्टी लगी और एक सूती कपड़ा लगी, तनी एक छाने खड़ती हमारे।
तो पकड़ा दे। पकड़ा इसे कस के देखो बहनी एक छान लिया गया। अब एक एकड़ के लिए 25 लीटर पानी लगत है तो ओकर चौथाई 6 लीटर पानी है। अब ये हमें जोन है 5 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर डाल। अब एक घोल बनाए। अभी दीदी हमारा घोल तैयार हो गया। अब इसका जो है स्प्रे वाली मशीन में डाल के अब इसका हम जो है खेत में छिड़काव कर सकते। अच्छा दीदी, कौन कौन फसल में छिड़काव किया जाता है? ये अभी इस समय अरहर और चना है और अरहर चने में छिड़काव किया जाता है। दीदी कौन कौन कीड़ा करते नियुक्त तो बनाया जाता है? ये जो है फली छेदक और तना भेदक कीड़क नियुक्त। अच्छा दीदी, कीड़ा की पहचान कैसे हो? ये एक फली छेदक कीड़ा होते हैं जो फली का छेद का ओकर दाना खा जाते हैं और तना भेदक जो कीड़ा होते हैं ओकर तना काट देते हैं। कहीं जो है एक चना में 5 बार छिड़काव किया जाता है 15-15 दिन में फल लागे से और पके के बीच में एक 15-15 दिन पे जो है छिड़काव किया। दीदी आप जो जानकारी बताई है एक बहुत बहुत धन्यवाद और ये जानकारी अपनों को अपनाए और लोगों के भी बताएं। तो किसान बहनों भाइयों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से सीख गए होंगे। ये घर पर ही आसानी से बनाई जा सकने वाली दवा है, इसमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं लगता। तो किसान बहनों एवं भाइयों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार।